हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। गाइस अभी सुबह के 9:30 बज चुकी है और इतनी धूप आ चुकी है ना, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही तगड़ी धूप लग रही है। और आज छुट्टी का दिन है तो मैं अपनी छत में घूम रहा था सुबह सुबह, ये देख लीजिए यहाँ का पूरा नज़ारा एकदम। और आजकल यहाँ पर बंदरों ने ऐसे आतंक फैला रखा है, ये सारे हमारे जितने भी थे पेड़, ये देखो ये देख सकते हैं, अभी सारा तोड़ दिया बंदरों ने। कम से कम 6-7 बंदर आ चुके हैं यहाँ, सब तोड़ दिए उन्होंने। और ये सब लोगों ने अपनी अपनी टंकियों के ऊपर ना ईंट रखे हैं, हमने भी रखे हैं वैसे अपनी टंकी के ऊपर ईंट, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। मतलब बंदरों ने ऐसा कर रखा है कि आजकल एकदम ही आतंक फैला रखा है, बहुत ही ज़्यादा आतंक, अभी दिख नहीं रहे सुबह के टाइम में, पता नहीं। और गाइस हमारे सामने एक बिल्डिंग और बन चुकी है, कम से कम 4 मंजिला फ्लैट बन रहा है, ये बन रहा है, ये सामने फ्लैट बन रहा है हमारे आगे। अब इसका काम लगभग फिनिश होने वाला है, ये लास्ट मंजिल है इसका भी। और छत में लग रही है बहुत ज़्यादा धूप, सोच लो क्यों ना नीचे चला जाऊँ। मैं आज इनको देखने आया था अपने पेड़ पौधों को, सब बंदरों ने ऐसे नाश मार दिया कि पूरे उखल दिया इन्होंने। इतनी धूप लग रही है कि अब नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर धूप सही नहीं हो रही है, तो चलता हूँ नीचे, अब नीचे की तरफ। और आज अंशु की भी तबीयत ख़राब हो रखी है, और आज अंशु की तबीयत ख़राब हो रखी है। अंशु देखा, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, सर दर्द हो रहा है ना। ये क्या है? ये गाना सुन रहा है इसमें तू में, और आरुष क्या कर रहा होगा, पता नहीं आरुष कहाँ होगा, आरुष कहाँ है? ये देखो यहाँ मोबाइल चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंशु की तबीयत ख़राब हो रखी है, क्या हो गया बेटा? इधर देख, इधर खड़ा हो, इधर खड़ा करो, जरा खड़ा हो, अच्छे से। आज भी की तबीयत ख़राब हो रखी है, सर दर्द हो रहा है बोल रहा है, और उसने पट्टा बांध रखा है। ये क्या कर रहा है, ये सरदार जी बन गया क्या, ऐसे खाता है क्या फ्रूटी? जम रखी है। नरेश जम कैसे गया? फ्रूटी खाने डीप फ्रीज में रखी थी। क्यों? ठंडी होने के लिए। ठंडी होने के लिए तो फ्रूटी डीप फ्रीज में रखते हैं। अब उसको काट काट के खा रहा, कैंची कहाँ? कैंची तो रख दी। अब तबीयत खराब होगी ना तो पता लगेगा। नहीं होती है ना, ये कैसे खा रहा, देखो इसको जरा एक थप्पड़ मार लगाई। फिर चलते हैं, पकड़ ले, देखिए पापा भी हैं, ये जो ये हेड शूट कर रहे हैं। थोड़ा कैमरा और घुमा ना, देखो 1 किलोमीटर 1 मिनट ट्यूबवेल में पहुंचने वाले हैं। और ये सामने में ट्यूबवेल है, मैंने सिंगल रोड है, किसी के चक्कर में लेट नहीं हुआ अंकल, दूर लेके आए बापू धाम जा रहे हैं। और गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ ट्यूबवेल में, और आरुष ने डुबकी लगा दी। आरुष ने क्या, आरुष दिखा, देखो डुबकी लगा चुके हैं ये लोग। और यहाँ पे ट्यूबवेल एकदम तगड़ा चल रहा है, एकदम फुल भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि दोपहर की 1 भी बज चुकी है। और आरुष के जो मजा लेने सीधी डूब गया उधर, और आप जा रहे हैं नितिन अपना तीन, ए बेटा ए सवाल, कोई दे 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 दे
जा रहे हैं ड्राइवर के साथ डर वो भी पीछे रहा है फोन गिर जाएगा ठीक है अब देखो अंकल अब अंकल तैरेंगे हैवी ड्राइवर अंकल तैर रहे हैं ओ भाई अंकल ने तो बाहर लगा दी बाढ़ आ गई पीछे रहा है अब अंकल तैरने की कगार पर अंकल एकदम पास आते हुए और अंकल तैर गए अंकल दूसरी बार आ रहे स्विमिंग पर कैसा लग रहा है मेरा नहा के हो गया है मैंने नहा लिया है और निखिल भी नहा के हो चुका है हमारा अब ये लोग अब तक यहीं कूदे पड़े हैं इनको बहुत मज़ा आ रहा है बहुत रियली में हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हम सब लोगों ने यहाँ पे और अभी तकरीबन दोपहर के 2:30 बज चुके हैं पानी चालू है सब लोग इंजॉय कर रहे हैं बड़े बड़े नितिन को देखो नितिन बहुत मजे देखो मिट्टी से नहा रहे हैं यहाँ पे ये आरुष आरुष इनको मिट्टी से नहला रहा है ये देखिए यहाँ पे मिट्टी पड़ी है ये देखो मिट्टी से इसे साफ हो जाता है एकदम है भाई तू भी नहा ले तू गोरा हो जाएगा और तू भी नहाते मेरा जो मक्का गिरे पग से में आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह इकतालीस बयालीस इकतालीस चौवालीस पैंतालीस चालीस पंचावन अड़तालीस उनहत्तर पचहत्तर चौवन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अठावन उनसठ साठ इकसठ पैंसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर पचहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उनासी अस्सी और गाइस अभी अभी हम वहाँ से नहा धो के घर आ पहुँच चुके हैं इतनी गर्मी हो रही है इतनी गर्मी लग रही है आज शायद अभी ज़्यादा गर्मी है आज अंशु नहीं आया बेचारा नहीं आया आज हमारे साथ क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी हम इसको नहीं लेके गए तबीयत ख़राब हो रखी थी ना हाँ। अभी ठीक है हाँ। अभी ठीक है हाँ। सही बता ठंडा ठंडा हो अब ठंडा ठंडा हो गया अब ठीक है इसके बाद दिन में तबीयत ख़राब हो रखी थी लेके नहीं गई इसलिए अब ठीक है गाइस आज आई है यहाँ पे गांव के काफल ये देख सकते हो ये काफल है यहाँ पे थोड़े हमने अंदर रखे हैं अभी मैं और अंशु घर में हैं अभी अभी हमारे गांव से काफल आए तो अब खाएंगे हम काफल क्योंकि एक साल बाद खाने को मिलता है अच्छा लग रहा है ना खाने ये भी ने नमक डाल दिया क्योंकि मिर्ची तो खाते नहीं है तो हम नमक डाल के खा रहे हैं वाह कितना मज़ा आ गया रियल मैप देख सकते हैं काफल कब से हम बहुत दिनों से हम लोग काफलों के लिए तरस रहे थे क्योंकि गांव तो जा नहीं पाए अभी और गांव जाना है लेट जाना है क्योंकि हमें जून में जाना है तो इसी कारण अभी हमारे लिए यहीं आ गए काफल तो बहुत एकदम मीठे हो रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं फिर कैसे लग रहे हैं है? बोल क्या बोलेगा क्या बोलेगा बहुत अच्छा खाएंगे हड्डी नहीं खाता ये इसका बाहर बाहर का छिलका खा रहा है और इसकी हड्डी भी खाता है तो गाइस अब काफलों के साथ में ही वीडियो को एंड करते हैं तो आपको वीडियो कैसी लगी आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और हाँ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।